दुनिया पर फिर मंडराया कोरोना का खतरा। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के केस, जापान अर्जेंटीना जापान दक्षिण कोरिया अमेरिका ब्राजील जैसे देशों में भी बढ़ने लगे कोरोना के केस। एक्सपर्ट ने चिंता जताते हुए कहा, सावधानी नहीं बरती गई तो हो सकता है कोरोना विस्फोट। कोरोना को लेकर आईएमए ने जारी की एडवाइजरी, कहा भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, इंटरनेशनल ट्रेवल से बचे, पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी। संसद में मास्क लगाकर पहुंचे पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर देश को दिया अलर्ट रहने का संदेश, पीएम ने ली उच्च स्तरीय बैठक। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद भारत में अलर्ट, एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि चीन में कोविड 19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज के हाई रेट के कारण चीन जैसी स्थिति नहीं होगी। सीएम गहलोत का कंवर का बास पहुंचने पर जोरदार स्वागत, कालवाड़ और जोबनेर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मामला, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, ईडी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, अब रॉबर्ट वाड्रा और मां मॉरिन की बढ़ेगी मुश्किलें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, कहा स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी को पत्र क्यों नहीं लिख रहे, बीजेपी की रैलियों में कोरोना नहीं होता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ रहा है उसको देखते हुए बीजेपी के मंत्री हमें पत्र लिख रहे हैं। कीर्ति आजाद के ट्वीट पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का निशाना, कहा कुछ लोग हैं जो हमारी संस्कृति को नहीं समझते, हमारे लिए हमारी परंपरा है, दिल्ली में बैठे लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों के पालन के लिए पत्र लिखे जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जब से बीजेपी सरकार है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, वे नकारात्मक राजनीति करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सलाह दें, हमने वही किया। आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया, राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया गया। गुरुग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान उन्होंने कहा पीएम के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति बनी है, इस नीति में मात्र और क्षेत्रीय भाषा पर विशेष बल दिया गया है, ये नीति देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी प्रकरण में यूथ कांग्रेस दर्ज कराएगी मुकदमा, विशेष अपराध एवं साइबर थाने में दर्ज कराएगी मुकदमा। बीजेपी का राहुल गांधी पर आरोप, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से यात्रा के दौरान अपने जूते का फीता बनवाने का आरोप, इस पर कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए बीजेपी को चेतावनी दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा बीजेपी गोडसे की पुजारी है, उनके अंदर गांधी के लिए नफरत है, बीजेपी में दो बाप हो सकते हैं, देश के दो बाप नहीं हो सकते, राष्ट्रपिता तो एक ही रहेंगे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने जमानत याचिका को वापस लिया, आफ्ताब की जमानत याचिका उनके वकील की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी, आफ्ताब ने वकील से बात करने के बाद अपनी जमानत याचिका को वापस ले लिया। रेप केस में स्वामी चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत, अदालत ने पीड़िता और सरकार से मांगा जवाब, स्वामी चिन्मयानंद पर 2011 में आश्रम में कॉलेज की एक छात्रा ने बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के बदरपुर में 25 साल की युवक की बेरहमी से हत्या, आपसी रंजिश में उतारा मौत के घाट, सीसीटीवी फुटेज में मारते दिखे बदमाश, विक्की और कोहिनूर नाम के आरोपियों की हुई पहचान। भिलवाड़ा में कुएं में काम करते वक्त करंट से 3 लोगों की मौत, अजमेर एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव, रायला के जोधडास गांव की घटना। क्रिसमस टूर पर शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, जयपुर में पावणों का हुआ शाही स्वागत, 3 देशों के 76 पर्यटकों के साथ पहुंची पिंक सिटी। पंजाब की सीमा पर नापाक हरकत नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तरन तारण जिले के फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में महिला नक्सली कमांडर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, एसपी ने बताया कि नक्सली संगठन 2014 से जुड़ी हुई कुमारी हेमला ने आज आत्मसमर्पण किया, महिला 2017 में बीजापुर घटना और 2018 में मृतुल घटना में शामिल थी जिसमें 8 नक्सली मारे गए। उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग ने एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, एक पालतू जानवर के रूप में विदेशी कुत्ते की नस्ल को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, संबंधित नगर निगम द्वारा हर जिले में एबीसी या पशु जन नियंत्रण केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर भारत से आई बर्फीली हवाओं से कई राज्यों में बढ़ी ठिठुरन, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद पंजाब राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे के कारण हुई कम, हादसों का बड़ा खतरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, रक्षा विभाग ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सहायता में $1.85 बिलियन की घोषणा की।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा, यूक्रेनियन दुनिया को प्रेरित करते हैं और शांति के लिए हम आपकी मदद करते रहेंगे। जेलेंस्की ने बाइडेन से कहा, आपके साथ होना एक सम्मान की बात। उत्तराखंड के NHI ने दूसरी टोल कंपनी को टेंडर दिया। ट्रैक्टर ट्रोली चालकों से भी टोल वसूलने का आरोप है। अन्य वाहनों में और लोड के नाम पर वसूल रहे अवैध टोल, चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह 1 जनवरी को आयोजित होगा। शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोड़ासियान की ओर से आयोजित होगा समारोह। तैयारियों को लेकर शहरी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने की बैठक। सामूहिक विवाह के लिए अब तक 11 जोड़ों ने पंजीकरण कराया है। श्रीगंगानगर कोहरे के आगोश में है। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज और ठंडी हवा चलने से स्कूली बच्चों को भी परेशानी आ रही है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में दिखी कोहरे की धुंध, चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहनों को चलाना पड़ा। दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरा छाने से फसलों को लाभ होगा। संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर से लोकसभा सांसद निहाल चंद ने लालगढ़ हवाई पट्टी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में शामिल करने की मांग की। लोकसभा में सांसद निहाल चंद ने बताया कि उनका संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती जिला है, जिसको वर्तमान में हवाई मार्ग से जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में बाड़मेर के भागीरथ ने जीते 3 मेडल। पुरुष वर्ग के भागीरथ बनीवाल ने जीते 3 ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित हुई तीसरी राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप, भागीरथ के पिता उम्मेदा राम बनीवाल है जिला परिषद सदस्य। भागीरथ के 3 मेडल जीतने पर ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया। जालौर में जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने 2 दिवसीय जिले के दौरे के दौरान तमाम जिला स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं इस दौरान वे जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे और जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। अलवर में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य और SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं की ओर से महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। अलवर में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर ठग ने ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप को हैक कर सोशल मीडिया पर फोटो बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। देसी गोवंश को अब मिलेगी नस्लीय पहचान। मूल्यांकन हेतु किया जा रहा सर्वेक्षण। उदयपुर संभाग में पशुपालकों के पास मौजूद देसी गोवंश के नस्लीय नामांकन के लिए पशु वैज्ञानिकों की एक टीम ने सराड़ा उपखंड के कई गांवों में सर्वे किया।
जालौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने टोल कर्मचारी पर कार चढ़ाने के आरोप में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने टोल मांगने पर टोल कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाई थी। टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जालौर में नौसरा पुलिस पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। नौसरा थाना क्षेत्र के भवरानी में शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए गई नौसरा पुलिस पर आरोपी ने किया था हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट आई थी। पाली की देसुरी में सूर्य मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जोधपुर पर्यटन विभाग और पाली प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को देखने पर्यटन व ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। जालौर के पोषाणा ग्राम में एक दिवसीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार महेश दवे के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री फसल बीमा के जिला कोऑर्डिनेटर राघवेंद्र सिंह ने की। जोधपुर के तिवरी में 5 दिन बाद मिला युवक का शव। पैर फिसलने के दौरान नहर में गिरा था युवक। नहर में करीब 110 घंटे तक चलाया गया तलाशी अभियान। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस व जगीश सेन की टीम 4 दिन से चला रही थी तलाशी अभियान। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। ढिगाना विधानसभा के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा और पूर्व विधायक यशपाल सिंह मिर्धा से मिले। पूर्व सरपंच ने पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक से चर्चा की और समस्याओं के समाधान करने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। टोंक में जिला प्रशासन की ओर से बनास महोत्सव 2022 का भव्य आगाज। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया, जिसका समापन गांधी खेल मैदान में हुआ, जहां पर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही गहलोत सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। झुंझुनू में 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल दर्शन कर लौटे सुभाष नायक का हुआ भव्य स्वागत। डीजे की धुन पर भगवान शिव के परम भक्त सुभाष नायक का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बीजेपी नेता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में स्वागत हुआ। झुंझुनू के बिसाओं में जन आक्रोश यात्रा के द्वितीय चरण में चलाया गया अभियान। हर घर महासंपर्क और मिस्ड कॉल का अभियान चलाया जा रहा है। जन आक्रोश का स्टिकर और मोबाइल धारक व्यक्ति से कराया गया मिस्ड कॉल। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बिना इजाजत भवन तोड़ने पर नगर पालिका ने चस्पा गया नोटिस। पालिका ईओ हेमंत सोनी ने जेईएन अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस जाब्ते के साथ नोटिस चस्पा किया। 3 दिन में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परिसर को सील किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पूर्व विधायक मरहूम भवरू खां की याद में 1037 यूनिट रक्तदान किया गया। भवरू खां की 8वीं पुण्यतिथि पर पैतृक गांव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची 51 टीम। झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुई मीटिंग। सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बदराना जोहड़ को लेकर दिया जवाब। कहा, बदराना जोहड़ की भूमि है ट्रस्ट के नाम। ट्रस्ट से 50 बीघा जमीन की थी मांग। यहां बनेगा ट्रोमा सेंटर, 20 बीघा में बनेगा पार्क। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी का होगा अधिवेशन। एसोसिएशन का प्रस्तावित जिला अधिवेशन 1 जनवरी को होगा। जिला अधिवेशन के लिए उपखंडों में किया जनसंपर्क जारी है। अधिवेशन सामुदायिक विकास भवन में आयोजित किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कोहरे के कारण लाइट जलानी पड़ रही लोगों को। फतेहपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं राजस्थान के 5 जिलों में कोहरा शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी है। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने किया लोसल का दौरा। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। अलवर के बैरोड उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सर्दी के सीजन का छाया पहला घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से बचने के लिए लोग चाय की गर्मा गर्म चुस्कियां ले रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। जयपुर के सांगानेर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए दस्ता जाप्ते के साथ लखना रोड पहुंचा और अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाया। कई दिनों से लोग अवैध फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे थे। झुंझुनू में बुहाना के पचेरी कस्बे के एक व्यक्ति ने एक महिला सहित 4 जनों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। झुंझुनू के चिड़ावा स्थित सुल्ताना में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और साथ ही गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। सत्यनारायण सोमानी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा यह वितरण किया जा रहा है। भामाशाह ने जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अपना सहयोग देना शुरू किया। झुंझुनू के पचेरी कला में मारपीट कर नकदी छीनने का प्रकरण। पुलिस ने प्रकरण में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी घटना के बाद से चल रहा था फरार। पुलिस एक आरोपी को पूर्व में कर चुकी है गिरफ्तार। सीकर के धोध में सर्दी का कहर। किसानों ने फल और सब्जी की खेती को सर्दी से बचाने के लिए चादर से ढका है। जयपुर के चौमू में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में बस चलाते नजर आ रहे रामलाल शर्मा। सुबह के वक्त का बताया जा रहा वीडियो। सुबह सुबह भ्रमण करने वाले कुछ साथी भी हैं विधायक के साथ। कोटपुतली के सराय मोहल्ले में एक दंपति की संदिग्ध अवस्था में मौत। कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला दंपति का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक रमेश चंद रामलीला में रावण का किरदार करता था और रामलीला कमेटी का अध्यक्ष भी रहा था। कोहरे के चलते कोटपुतली में हुआ बड़ा सड़क हादसा। बाइक को कंटेनर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। 2 युवक हुए घायल। घायलों को पुलिस की मदद से कराया गया अस्पताल में भर्ती। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के बुहाना के पास भूरीवास गांव के सेना के जवान वीरेंद्र अहलावत का सड़क हादसे में निधन हो गया। जवान वीरेंद्र अहलावत आर्मी के कैंप
जयपुर में तैनात था। वो ऑफिशियल काम के लिए टॉक कैंप में डाक के लिए जा रहा था। जयपुर के चाकसू में गौशाला की भूमि में से उपजिला अस्पताल के लिए आवंटन करने का विरोध हो रहा है। बाजार, सब्जी मंडी, कई निजी स्कूल बंद रहे। वो सेवा परिवार ने सर्व समाज की ओर से सब्जी मंडी से विशाल रैली निकाली। जयपुर के पाउटा में जन्म देने के बाद माने बच्चे को बस स्टैंड के पास गली में फेंका। नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोचता देख लोगों में सनसनी फैल गई। नवजात ने कोटपुतली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा में महुआ के ग्राम रसीपुर में ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग की राशि जमा नहीं कराए जाने पर विभाग ने की पानी की सप्लाई बंद। इसे लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग की। जयपुर में राष्ट्रपति सहित देश के महत्वपूर्ण लोगों को ज्ञापन पत्र भेजकर तुरंत कठोर जनसंख्या नीति बनाने की मांग की गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मांग की। 650 महत्वपूर्ण लोगों को भेजा गया है ज्ञापन पत्र। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार 6 दिसंबर को बालाजी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुका था। अलवर के रेणी की भजेड़ा ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों को जर्सी का वितरण किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को भामाशाह मास्टर मंगल राम मीणा ने ये वितरण किया। झुंझुनू में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की अगुवाई में वाल्मीकि समाज ने की मांग। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग। नवलगढ़ में पेट्रोल पंप के पास समाज के युवक का मिला था शव। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जयपुर के चौमू में टाटियावास टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने टोल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एनएचएआई ने दूसरी टोल कंपनी को दिया टेंडर। ट्रैक्टर ट्रोली चालकों से भी टोल वसूलने का आरोप। अन्य वाहनों में ओवरलोड के नाम पर वसूल रहे अवैध टोल। अलवर में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं की ओर से महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी। अलवर में लगातार साइबर क्राइम के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। साइबर ठग ने ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप हैक कर सोशल मीडिया पर फोटो बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में देखी कोहरे की धुंध। चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहनों को चलाना पड़ रहा है। जयपुर की पहाड़ी पर मिला पैंथर का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का किया गया मौका मुआयना। बस्ती के नई नाथ धाम की पहाड़ियों का बताया गया मामला। कोटपुतली में किन्नर ने गौ माता के लिए जयसिंह गौशाला के संरक्षक को 5100 रुपये भेंट किए, जिस पर गौशाला कार्यकारिणी ने बाई शिवानी किन्नर को प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी गई। मीटिंग में बिजली विभाग से संबंधित मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। अलवर के रैणी में जैन समाज के लोगों ने एसडीएम अनिल कुमार सिंघल, रैणी थाना प्रभारी उर्मिला मीणा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर झारखंड राज्य में जैन समाज के धार्मिक स्थल सम्मेय शिखर जी को घोषित करने पर विरोध जताया और सम्मेय शिखर जी को जैन समाज का धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग की। जैसलमेर के भणियाणा में 3 दिवसीय समावेशी और सुरक्षित शिक्षा प्रशिक्षण का आगाज हुआ। क्षेत्र के राजकीय स्कूलों के संस्था प्रधानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जसाराम चौधरी और संस्था प्रधान शिव सिंह गोदारा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हनुमानगढ़ में बीमा क्लेम दिलाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। भरतपुर में कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के द्वारा पट्टा नहीं मिलने पर किया गया विरोध प्रदर्शन। संघर्ष समिति के द्वारा प्रशासन के खिलाफ किया गया जमकर प्रदर्शन। दौसा में सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक जीआर खटाना ने किया। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। राजसमंद में चोर ने दिनदहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक दुकान से दिनदहाड़े चोर ने तिजोरी से रुपए लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। चूरू के जयपुर आरोपी पर कार टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई, वहीं 2 यात्री घायल। साथ ही वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
भरतपुर में पुलिस को मिली सफलता। जिले के नदबई कस्बे में चोरों द्वारा मकान में खड़ी गाड़ी को चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मकान में चोरी करने के दौरान मकान मालिक पर चोरों ने फायरिंग भी की। भरतपुर के वैर में आवारा गोवंश ने बनाया स्टेट में का हाईवे और कार्यालय परिसरों को अपना आरामगह स्थल। इससे आमजन और राहगीरों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। वाशिंदों ने प्रशासन से आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग के साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। अजमेर के ब्यावर में कंचन उत्सव खींचा प्रतीक्षालय का किया गया लोकार्पण। शहर के सूरज पोल गेट बाहर विजयनगर रोड स्थित हिंदू सेवा मंडल के मुक्ति धाम पर किया गया लोकार्पण। लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पाल पदावत आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। धौलपुर में 4.5 लाख बकाया पर मलपुरा गांव की बिजली को बंद किया गया। डिस्कॉम द्वारा चलाया गया बकाया वसूली अभियान। डिस्कॉम के AEN RD मीणा बकाया राशि को लेकर सख्त। राजसमंद में छात्र संघ अध्यक्ष श्रीमद गुर्जर के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने राजकीय कॉलेज में लगाया ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। संकाय खोलने की मांग को लेकर विद्यार्थी पिछले 10 दिनों से कर रहे थे।